दोस्तों, आप सभी लोग उम्मीद करते अच्छे होंगे। समटाइम हमारे पास ऐसा सिनेरियो आता है जब हमें अपनी जो भी डायनेमिक साइड होती है उसे हमें स्टैटिक कन्वर्ट करना पड़ता है, बेसिकली एचटीएमएल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं क्यों करना पड़ता है ऐसे सिनेरियो का बातें, जब आपके साइट में कोई मेलवेयर आ गया है और आपसे डाउन नहीं कर सकते साइट को, मतलब कोई साइट लाइव होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, और आपको उसमें टाइम लग रहा है और आपकी साइट डायनेमिक नहीं है, बेसिकली मतलब सिर्फ एक डिस्प्ले साइड है, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है सिर्फ कंपनी के बारे में, देन आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, आप स्पेस सेव करना चाहते हैं, मल्टीपल आपने एक से शेयर्ड होस्टिंग ले रखी है, तब आपकी है सिक्योरिटी रीजन्स के चक्कर में, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं जिसके चक्कर में आप कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे मेरे पास लोकल है, उसमें साइड है, ये पूरी एक आपकी डायनेमिक वेबसाइट है पूरी, ठीक है। इसमें एक वर्डप्रेस में एरर आ रहा है तो उसे आप निगलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो ये पूरी साइड है, अब जैसे डेमो है वैसे आप देख ही पा रहे हैं, इसमें से ब्लैंक इन्फॉर्मेशन भरी हुई। अब मुझे मान के चलिए इसे एचटीएमएल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो मुझे साइट का जो भी लिंक है उसे कॉपी कर लेना है, जो इसका सबसे मेन जो प्राइमरी लिंक है, ठीक है। तो मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे जो एक साइट सेकर प्रो नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगी मैक में, और मैं विंडोज़ की एप्लीकेशन है स्टेट ट्रैकर करके कुछ होती है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डाला, स्टार्ट किया, तो बेसिकली साइट को ये क्लोन करेगा। तो जब ये क्लोन करके साइट तैयार हो जाएगी वो पूरी एचटीएमएल फॉर्मेट में होगी, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही यूज़ करूँगा डेमो दिखाने के लिए, अदरवाइज़ ये काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है, देखिए सभी वेबसाइट को क्लोन करने लगेगा। तो मैं इस वेबसाइट को, तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी साइट पूरी क्लोन हो चुकी है, एग्जैक्ट साइट क्लोन हो चुकी है। अब मैं जाके देख सकते हैं, लास्ट में देखिए यहाँ पे एचटीएमएल लिखा हुआ है। अब मैं इस साइट को कहीं पे भी अपलोड कर सकता हूँ और ये प्रॉपर पूरी वर्क आपकी करेगी। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी पेज, सेकंड पेज, वेडिंग पेज को मैंने खोला, देखिए बिल्कुल वर्क कर रहा है, ऑलमोस्ट जो बेसिक आपके स्क्रिप्ट होती है वर्क करेंगी। अगर जैसे सपोज आपके पास कोई कॉन्टैक्ट पेज है तो बेसिक आपको एचटीएमएल आती होगी, तो आप उसे डायनेमिक पेज बना पाएंगे और इस साइट को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी होस्टिंग पर कहीं पर भी अपलोड करके।